नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपको अपने YouTube चैनल संध्या फेमिनिस्ट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नारी शक्ति पर वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किस प्रकार से राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना करिएगा, और इसी तरह से आप जो है प्रयास करते रहिए और अपनी मिसाल पेश करिए। दोस्तों, अथक प्रयासों और नारी शक्ति नई मिसाल पेश की है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को देश भर की चुनिंदा महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा है। इन महिलाओं ने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से लड़कर अपने अथक प्रयासों से के बूते नारी शक्ति की नई मिसाल पेश की है। महिलाओं को घरेलू परेशानियों से निजात दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इन महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई है। हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं कि कुछ महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में जिन्होंने अपने प्रेरणादायक अभियान को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की निवासी हथकरघा बुनकर व शिक्षिका आरती राणा थारू हथकरघा घरेलू उद्योग की अध्यक्ष हैं। वर्ष 2015 में उन्होंने लखीमपुर खीरी में थारू महोत्सव एकीकृत जनजातीय परियोजना का आयोजन किया था। वह अब तक 800 से अधिक थारू महिलाओं को हस्तशिल्प का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। उन्होंने 150 से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह की शुरुआत की, जिसमें से 3600 से अधिक महिला सदस्य हैं। उनकी इस पहल से जनजातीय बुनकर महिलाओं की आय से वृद्धि हुई है। 2016 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें सम्मिलित किया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उन्हें रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। यूपी डॉक्टर नीरजा ने तिब्बत की सांस्कृतिक सामाजिक चेतना पर कुठाराघात को उजागर किया है। डॉक्टर नीरजा माधव साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है। उत्तर प्रदेश की निवासी नीरजा ने वर्ष 1981 में आकाशवाणी से कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उनकी रचना चीन के विश्वविद्यालय से दक्षिण भारत के महाविद्यालय तक हिंदी पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आकाशवाणी के अंगनैया कार्यक्रम की छोटकी भौजी के छत किरदार में से उन्होंने उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि बिहार और मध्य प्रदेश में खासी लोकप्रियता मिली है। तिब्बत की संस्कृति सामाजिक और राजनीतिक चेतना पर कुठाराघात से संबंधित उनका उपन्यास गेशे जंपा बहुचर्चित रचना है। इस पर कई नाट्य मंचन भी किए जा चुके हैं। नीरजा को 1998 ईस्वी में यशपाल पुरस्कार और 2006 में मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोस्तों, यह सूचना थी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए कैसे वे अपने कार्य से इस तरह से पुरस्कृत हुई हैं। और आप भी इस वीडियो को देखिए और मोटिवेशन के लिए ये वीडियो मुझे लगता है बहुत अच्छा है, तो आप लोग मोटिवेट होइए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियो इसी तरह से मैं वीडियो को लाती रहती हूँ और वीडियो को देखते रहिए। आप पूरी वीडियो देखिए, कभी भी बीच में वीडियो को छोड़ के ना जाइए। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।